कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 12 दिन पूर्व दोनों बेतिया गए थे, जहां एक लड़की की रेप और हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में दोनों मृत लड़की के परिजनों से मुलाकात भी किया था। डॉक्टरों ने दोनों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। 5 अप्रैल को किसान बिल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे बिहार में धरना देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में भी भक्त चरण दास और मदन मोहन झा शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अब वे धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास अभी दिल्ली में और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने आवास पर क्वारंटीन है। 3 दिन पहले ही भक्त चरण दास की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद शुक्रवार की रात में मदन मोहन झा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और डॉक्टरों ने दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी कोविड टेस्ट करवाने की नसीहत दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए उत्कर्ष हमारे बीच जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, ये बड़ा संकेत देखा जा रहा है कि बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन होने वाले थे, ठीक उसके पहले कांग्रेस के नेता कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। दोनों की हालत अब कैसी है जानना चाहेंगे, और क्या लगता है कि दोनों नेता क्वारंटीन में है? जी हाँ, साफ तौर पर बीते दिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, दोनों कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि ये जो दूसरा स्ट्रेन है, इसमें कई लोग हैं, जो कई हस्ती हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनके जो साथ थे कुछ दिनों से, वो लोग भी उनके संपर्क में जो आए हैं, उन्हें भी कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। राकेश, उत्कर्ष, सभी को मालूम है कि बिहार ही नहीं, राजधानी पटना में कोरोना का जो लापरवाही है, वो अमूमन आम लोगों के साथ साथ नेताओं में भी देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है और धरना प्रदर्शन के साथ साथ कई तरह के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। क्या लगता है कि ये नेता भी कम से कम जागरूकता जो होनी चाहिए, इनमें जागरूकता की जो कमी है वो देखी जा रही है? जागरूकता की जो कमी है वो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसलिए जिस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है। बात करें अगर बिहार की, तो बीते दिनों में जो कोरोना का संक्रमण है वो करीब दुगने तेजी से बढ़ रहा है। आपको बताया कि कल जो बीते शाम जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें अकेले राजधानी में 150 से ज्यादा कोरोना के जो पेशेंट है वो पाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये चूक जो है वो लोगों में दिख रही है कि उन्हें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है जिस वजह से कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। जी उत्कर्ष, भक्त चरण दास और एक साथ ही साथ जो दोनों नेताओं में जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इनके कांटेक्ट में जिन लोग भी आए हैं उन सभी को क्वारंटीन रहना होगा, नहीं तो ये जो संक्रमण है वो फैल सकता है। क्या मालूम चल पाए कि इन दोनों के नेताओं में पिछले दिनों कौन कौन कॉन्टैक्ट में आया था, जिसके बाद ये पता चल सके कि ये लोग क्वारंटीन में रह सके और कोरोना का जो संक्रमण है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाए? जी हाँ, जिस तरीके से बिहार के वो कांग्रेस प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि वो लोगों से काफी तौर हद तक मिले हैं, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिले हैं, तो ये चिन्हित तो नहीं किया जा सकता है कि किन किन लोगों से मिले हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका भी कहना है कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटाइन हो जाएं, या अगर किन्हीं की तबीयत खराब है तो वो कोरोना का जांच जरूर कराएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, आम लोग तो आम लोग, लेकिन अब नेता भी लगातार इसके जद में आ रहे हैं, कारण कि उनमें सतर्कता और लापरवाही देखी जा रही है, सतर्क बिल्कुल नहीं है और सार्वजनिक कार्यक्रम में लगातार वो चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे हैं और यही वजह है कि वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स लगातार उन्हें सलाह दे रहे हैं कि ऐसे मौके पर अपने आप को वो होम क्वारंटीन करें और जिन लोगों के संपर्क में वो आए हैं उन्हें भी उन्होंने होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी है।